चौरीचौरा थाना क्षेत्र के तरकुलहा मंदिर स्थित शराब की दुकान में शुक्रवार की रात्रि में हुई चोरी की घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पीआरवी 0332 की टीम ने एक अभियुक्त को चोरी के रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि कॉलर देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा फोन करके सूचना दिया गया कि तरकुलहा देशी शराब की दुकान से रात को 1,32,000 रुपए चोरी हो गए हैं। उस सूचना पर पीआरवी 0332 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची व काफी खोजबीन व सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक मुखबिर द्वारा पीआरवी 0332 को चोर के बारे में पता चला। तब पीआरवी तत्काल कॉलर को लेकर आरोपी सोनू निषाद पुत्र रामजीत निषाद निवासी फुटावा इनार थाना चौरी चौरा के घर पहुंची। वहां आरोपी सोनू निषाद घर पर मिला। जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने दुकान में चोरी की घटना को स्वीकार करते हुए अपने घर के अंदर भूसे में रुपए रखने की बात को स्वीकार किया। इसके बाद पीआरवी ने आरोपी सोनू निषाद से चोरी किए गए 1,32,000 रुपए बरामद किया। आरोपी को आवश्यक कार्रवाई हेतु बरामद रुपए के साथ थाना चौरी चौरा को सुपुर्द किया। गिरफ्तार करने वाली टीम में पीआरवी के कमांडर हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश यादव, सब कमांडर कांस्टेबल दिवाकर, पायलट कांस्टेबल चालक शत्रुधन शर्मा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, बस अभी ओके था ना, ओके था नहीं, अभी तो ये पकड़े आ रहे हैं, सो साहब अभी आ रहे हैं। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, आज पीआरवी 332 ने एक अच्छा कार्य किया है। उसने अपने प्रयासों से 1,32,000 रुपए और शराब बरामद की है, जिसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी प्रशंसा की है और उनको आगे भी इसी तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा।